Hello everyone, welcome to GK Today. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम फेब्रुअरी मंथ के जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनको कवर करेंगे. सो बेसिकली एक सिंगल सेशन के अंदर आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 240 एमसीक्यूज लेंगे जो आपके फेब्रुअरी मंथ के न्यूज से जुड़े हुए होंगे. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये क्वेश्चंस पार्ट हैं ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जो है, जो आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर भी मिल जाते हैं. तो अगर आप और क्वेश्चंस रेफर करना चाहते हो, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो यू कैन रेफर टू जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप. ठीक है जी, चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि किससे अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के में किसे अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी. तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तराखंड, द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड इज राधा रातुड़ी. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है. ठीक है, जिन्हें नहीं याद है कोई बात नहीं, आप साथ साथ याद करते चलो, क्योंकि एट द एंड एजेंडा यही है कि आपकी रिवीजन हो जाए और जो कुछ भूला हुआ है वो वापस याद में आ जाएगा. अच्छा, तीन फोर्ट हैं आपके सामने और ये पूछा है कि तीनों फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है. सालहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट और पन्हला फोर्ट. तो ये तीनों फोर्ट जो हैं ये न्यूज में रहे हैं और ये कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड हैं. नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑप्शन ए बी, व्हाट डू यू थिंक, बी महाराष्ट्र. यस, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई. चार ऑप्शन आपके पास हैं, क्या सोचते हो फिर कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस. बेसिकली इस इवेंट का मकसद क्या था, सी वीड डेवलपमेंट जो है उसमें अवेयरनेस लेकर आना और इसको और ज्यादा बढ़ाना, राइट. सो आंसर इज कच्छ, ऑप्शन ए. अगला सवाल, सोलर पॉलिसी 2024 के तहत अकॉर्डिंग टू इट दिल्ली की बात हो रही है. सो व्हाट इज द टारगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन दिल्ली बाय 2027. सो 2027 तक क्या टारगेट किया हुआ है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर होगी इन दिल्ली बाय अकॉर्डिंग टू दिस सोलर पॉलिसी 2024. आपके पास है चार ऑप्शंस. अगर आप सोच रहे हो 4500 मेगावाट इज द टारगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन दिल्ली, तो दैट इज राइट. अच्छा, आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है बाय, तो चार ऑप्शंस आपके पास होंगे तो वो भी याद रखना, बाय 2027. कभी कभार हम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को ऐसे लाइटली ले लेते हैं. क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो घुमा फिरा के, तो देखो हमें नहीं पता ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है अपने को. अगला जो सवाल है वो है अगस्त्यगामा एच, ये न्यूज में रहा है, ये एक स्पीशीज है एंड इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. स्नेक, कंगारू लिजर्ड, ऑप्शन बी. तो बस बी पे ही रुक जाते हैं क्योंकि कंगारू लिजर्ड इज द राइट आंसर. अगला सवाल, एक स्कीम है और इस स्कीम का नाम है उंगलाई तेदी उंगल उरिल. ये स्कीम मतलब कुक कम लुक फॉर यू इन योर विलेज स्कीम, ये कौन सी स्टेट से जुड़ी हुई है, ये स्कीम कौन सी स्टेट की है, इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही सही, बट ये स्कीम है तमिलनाडु की. सो तमिलनाडु की ये स्कीम है जिसके अंदर इसका पर्पस है, जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, एंड यू आर एड्रेसिंग द पब्लिक कंसर्न्स, राइट, यू आर इंश्योरिंग कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, ये पर्पस है. सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन बी, राइट. इनिशिएटिव का मकसद ये है, एक होता है ना मंथली एक्सेस, सो यू आर ऑफरिंग सिटीजन्स मंथली एक्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, ये एजेंडा है. अच्छा, न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी, इसमें से वो कौन सी न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने क्या किया है, जिसने पहला कंप्यूटर चिप, दिस कंपनी हैज एम्बेडेड इन अ ह्यूमन ब्रेन. तो वो होता है कि आपके ब्रेन के अंदर इन्होंने एक कंप्यूटर चिप इम्प्लांट करी है, तो उससे बेसिकली क्या करेगा वो डिवाइस, इट विल इंटरप्रेट योर न्यूरल एक्टिविटी. मतलब मैं अगर सोचूं कि कुछ भी, इफ आई एम सिंपली थिंकिंग, राइट, तो वो
इट विल ऑपरेट लाइक दैट. जैसे मैं इफ आई एम थिंकिंग कि कॉल एक्स वाई जेड, तो वो उस एक्स वाई जेड को कॉल हो जाए, राइट? सो दैट इज द एजेंडा बिहाइंड इट. और जिस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने ये किया है, दैट इज न्यूरालिंक, ऑप्शन ए. IMF की एस्टिमेटेड फोरकास्ट क्या है फॉर इंडिया GDP ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? सीधा आंसर पे आऊं, 6.7%. ठीक है जी, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, व्हाट इज द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? स्नो लेपर्ड, शीनेशी, शान, राइट? इट इज द स्नो लेपर्ड जिसका नेम है. अब यहां पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुई है, तो 2 और 6 फरवरी के आसपास लद्दाख में हुई, फिर 21 फरवरी से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुई, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन बी. जगह भी याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है. अच्छा, करेवती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये न्यूज में रहे हैं, और ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो दिस बर्ड सेंचुरी एंड दिस शोला रिजर्व फॉरेस्ट दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, ऑप्शन ए. ए इज द राइट आंसर. चलिए, मार्तंड सन टेम्पल, ये कहां पर लोकेटेड है? कभी कोई गया हो? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी. यस, सी इज द राइट वन. रिसेंटली इनमें से वो कौन सी 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है? बहुत न्यूज में रहा है ब्रिक्स, बहुत एडिटोरियल, बहुत आर्टिकल्स रहे हैं ब्रिक्स को लेके. तो इसमें से वो कौन सी 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है ब्रिक्स ग्रुप को? चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए और फिर आप आंसर पे आइए. अगर आप सोच रहे हैं सऊदी अरेबिया, बिल्कुल, इजिप्ट, यस, UAE, ईरान, इथोपिया, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए. तो ये 5 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं. अगला सवाल, इस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट. सिंपल सवाल है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? इट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, यहां से सवाल बन जाते हैं. इसमें से वो कौन सी इंडियन स्टेट है दैट वॉज द थीम स्टेट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, सूरज कुंड मेला 2024? सो द इंडियन स्टेट दैट वॉज द थीम स्टेट ऑफ दिस मेला इज गुजरात. ठीक है जी, अगर ये पूछें कि ये कौन सा, मतलब विच वॉज इट, इट वॉज 37th इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला. ठीक है, और यहां पर दे माइट आस्क यू कि ये कहां हुआ, तो वो आपको पता ही होना चाहिए, फरीदाबाद. ठीक है, फरीदाबाद के अंदर हुआ है. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अच्छा ऑप्शन ये याद रख लेना. मूविंग अहेड, वेयर वॉज 12th इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड? तो ये 12th इंडिया ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी JMCC मीटिंग वॉज हेल्ड इन मस्कैट. तो याद रहेगा आप, सो इस मीटिंग के दौरान इंडिया और ओमान ने ना MOU साइन किए हैं कि आप डिफेंस एंगेजमेंट में और नए नए एरियाज में कोलैबोरेट करें, प्रोक्योरमेंट हो और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, राइट? तो यहां पर आंसर इज ऑप्शन डी. अच्छा, व्हाट इज इरोसिटा दैट वाज रिसेंटली न्यूज? क्या है ये? ये एक एक्सरे टेलीस्कोप है. तो आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सरे टेलीस्कोप. ठीक है, अच्छा एक स्पीशीज इन न्यूज है जिसको आप बोलते हो सफेरथिका वर्षा भू, तो इट बिलोंग्स टू फ्रॉग. यस, बस यहीं रुक जाते हैं क्योंकि ये फ्रॉग की स्पीशीज, आप ऐसे याद रख लो वर्षा भू. ठीक है, तो वर्षा भू से फ्रॉग, बारिश आती है तो मेंढक दिखने लग जाते हैं ना, तो ऐसा बारिश के बाद. सी केयर्स वेब पोर्टल, ये न्यूज में रहा है, ये कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है बताइए? This web portal is associated with which sector? Coal sector से जुड़ा हुआ है ये, तो option C is the right answer. Moving ahead with the next one, Mesolithic era rock paintings, ये अभी recently discover हुई कौन सी state में? Mesolithic era rock paintings, they were recently discovered in Telangana. Option A.
ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, फेंटेनिल रिसेंटली मेंशनड इन न्यूज, क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग, मतलब मैं आगे ये बढ़ना ही नहीं है क्योंकि जो सही आंसर है उस पर टारगेट करो. आंसर इज ए, ये एक ड्रग का टाइप है. इतना याद कर लोगे मोर देन इनफ है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्टेट एग्जाम्स और बाकी जो एग्जाम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC हो गया, बैंकिंग, NDA, CDS, BPSC, जो भी स्टेट सर्विसेज हैं, राइट. जो यहाँ पर क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवेज, तो मोर देन इनफ है. बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, ठीक है जी. उसे आपको एक आइडिया लगता है कि अच्छा आप इस पेपर की तैयारी करना जा रहे हो, तो ये ओरिएंटेशन है उसकी. बाकी ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, इन सभी एग्जाम्स को डील करते हैं इनके साथ. व्हाट आर टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज? चार ऑप्शंस हैं, टेक योर टाइम, स्टेटमेंट्स पढ़ लो, फिर हम चलते हैं इसके सही आंसर पे. पढ़ ली स्टेटमेंट्स, तो आंसर बताऊं. आंसर इज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना इन्वॉल्विंग अ स्टार एंड अ ब्लैक होल. तो होता क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ. नाउ व्हाट TDE, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट. तो ऐसा होता है कि जब एक स्टार, इट कम्स वेरी क्लोज, बहुत पास आ जाता है टू सुपर मैसिव ब्लैक होल, और फिर क्या होता है, इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इट गेट्स टोन अपार्ट बाय द ब्लैक होल्स इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब ये होता है तो जो स्टार का मटेरियल होता है ना, इट गेट पुल्ड टुवर्ड्स द ब्लैक होल. उसकी वजह से बहुत हीट और लाइट जनरेट होती है. सो दिस हीट एंड लाइट, दिस इज व्हाट वी डिटेक्ट फ्रॉम अर्थ, राइट. एंड दे टेल अस दैट टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट हैज अकर्ड. तो इसमें एक स्टार इन्वॉल्व है और एक ब्लैक होल इन्वॉल्व है. तो फिर जब वो स्टार का डेब्रीज होती है ना, वहां से इट एमिट्स रेडिएशन, राइट. सो दैट इज वेन वी से टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट अकर्ड, ठीक है. मूविंग अहेड, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन AICT इन्वेस्टर नेटवर्क, वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन AICT इन्वेस्टर नेटवर्क. मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, फिर आप आंसर पे खुद से आ जाओगे. एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्या करता है, इसका गोल क्या है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एडुकेशन के अंदर उसको एनकरेज करना. सो इसका मतलब क्या है, इट्स अबाउट कि आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं एंड टीचर्स को भी हु हैव आइडियाज. जैसे आप के पास एक नया आइडिया है फॉर अ न्यू बिजनेस और अ प्रोजेक्ट, राइट. सो इट विल प्रोवाइड देम विथ फाइनेंशियल सपोर्ट, एडवाइस फ्रॉम द एक्सपीरियंस मेंटर्स, राइट. आप अपने प्रोजेक्ट को और प्लान कर सकते हो. तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप ग्रो कर रहे हो तो दैट इज द इनिशिएटिव. आप और ज्यादा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हो. अब आई थिंक आप सीधा सीधा आंसर पे आ सकते हो, स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर एडुटेक इनोवेटर्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, ठीक है जी. ये रहा आंसर आपके पास. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? तो इसमें से वो कौन सी स्टेट है जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है? ABCD, टेक योर टाइम. एंड व्हाट डू यू थिंक? इफ यू आर थिंकिंग तमिलनाडु, यू आर एब्सोल्यूटली राइट. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कितनी रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगला सवाल है कि इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री है दैट इम्प्लीमेंटेड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, जो कि न्यूज में रही. सो ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इंटरिम बजट 2024-2025 के तहत इसमें से वो कौन सी क्रॉप्स हैं दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, अब इसके अंदर देखो हम क्या करना चाह रहे हैं ना, वी आर एम्फसाइजिंग अचीविंग आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स. तो उसके चलते ये जो ऑयल सीड्स हैं जिनको टारगेट कर रहे हैं बाय फोकसिंग ऑन, कि मतलब इन सीड्स की मैं पहले आपको सीड्स बता देती हूँ, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर. तो यहाँ पर आप चाह रहे हो कि जैसे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे विल वर्क टू डेवलप टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स दैट कैन प्रोड्यूस मोर ऑयल, राइट. सो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि अचीव दैट हेल्प यू इन अचीविंग आत्मनिर्भरता,
फार्मिंग टेक्निक्स और मॉडर्न हो जाएं, मार्केट लिंकेज हो, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, इन सभी का राइट right? तो ये एजेंडा है. इट इज द बजट इज एम्फसाइजिंग ऑन दिस, ठीक है जी, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और हो और इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट हो इन ऑयल सीड प्रोडक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024? Emerge 2024, which is a venue of it. Mangaluru? बिल्कुल 16 से 18 फरवरी के आसपास ये हुआ था एंड इसमें मोर देन 100 स्टार्टअप्स हो गए, 50 इन्वेस्टर्स, 1000 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इसके अंदर. तो आंसर इज मैंगलुरु. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. दर्लीपली थर्मल पावर प्लांट है, न्यूज में है, कहाँ लोकेटेड है दर्लीपाली? उड़ीसा के अंदर. ऑप्शन ए करेक्ट. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट. ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ऑप्शन ए. व्हाट डू यू थिंक? ए बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूएन प्लेटफॉर्म ये किससे जुड़ा हुआ है? इट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? टेक योर टाइम, चार ऑप्शंस हैं आपके पास. इम्यूनाइजेशन होती है अक्रॉस इंडिया, उसको बेटर मैनेज करें. सो इट इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अक्रॉस इंडिया. मतलब आप वैक्सीनेशन का ट्रैक रख रहे हैं राइट, सो इट विल हेल्प हेल्थ ऑफिशियल्स ऑल्सो कि आप इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को और अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, मेकिंग श्योर कि हर किसी को वैक्सीन मिल रहा है दैट इज रिक्वायर्ड ऑन टाइम राइट. सो अब आंसर पता चल गया, डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. वट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? हाँ जी, 47.66 लाख करोड़. अगला सवाल, इसमें से वो कौन सी ऑप्शन है दैट इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग दिस टर्म? टर्म कौन सी है? ब्लू इकोनॉमी 2.0 एंड इट वाज सीन इन बजट 2024. बताइए, ब्लू इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है ब्लू इकोनॉमी का मकसद क्या है. वेयर यू आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किससे रिलेटेड होगी? ओशन से, सी से, कोस्ट से, मतलब कोस्टल रिस्टोरेशन की बात करेंगे हम. बात करेंगे जैसे हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना है, फिशरी सेक्टर के लिए हो गया, उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, आप फार्मिंग को सपोर्ट करें, कल्टिवेशन सपोर्ट करें ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स राइट. तो ब्लू इकोनॉमी यही है. आंसर इज ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन, सी एंड कोस्ट. सॉर्टेड है. अगला सवाल, मैनाटीज, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, मैनाटीज क्या है ये? यू नो लार्ज एक्वाटिक मैमल्स हैं. तस्वीर देखना, पिक्चर्स के थ्रू याद हो जाता है, तो थोड़ा सा खुद भी मेहनत करनी है, स्पून फीडिंग से सारा काम नहीं चलता है, तो देखना ठीक है जी. वीट ब्लास्ट न्यूज में था ये, इट इज अ डिसीज, वीट क्रॉप की एक डिसीज है ये. किसकी वजह से होती है? इट इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फंगस. यस, आगे बढ़ना ही नहीं है, काम आसान है. ए फंगस इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, घर पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? चार ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं रादर, आई वुड से, मतलब थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हो गई ना, वन वर्ड देखने का आंसर है वो वन वर्ड देखने की आदत पड़ गई है. तो घर पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए बताइए. घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है. इट इज क्रिएटेड बाय, अगर आपसे पूछ लिया जाए घर पोर्टल की फुल फॉर्म पहले तो आपको पता हो, गो होम एंड रीयूनाइट. किसने क्रिएट किया है? NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. सो व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन डिजिटली मॉनिटरिंग, ब्रिंगिंग बैक चिल्ड्रन, मतलब आप उनको जो भी अपनी फैमिलीज के साथ रीयूनाइट करा रहे हैं राइट, कीपिंग ट्रैक ऑफ केसेस हु आर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन हु नीड टू बी रीयूनाइटेड विद देयर फैमिलीज. तो उस प्रोसेस को कि बच्चों को घर, बच्चों की घर वापसी हो जाए एंड तो उस प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप करा जाए राइट. तो ये इसका एजेंडा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रीस्टोरेशन एंड रीपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन.
रिसेंटली इसमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है जिसने अडॉप्ट किया है सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स फॉर स्मार्ट पेट्रोल्स? उत्तराखंड. उत्तराखंड की सरकार ने सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स लेकर आए हैं वो फॉर मोर स्मार्ट पेट्रोलिंग. किसने कार्यभार संभाला है एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लोचन सिंह पठानिया हैं चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगला सवाल, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज टोर्च बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ये. ठीक है, इसमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है दैट हैज रिसेंटली सस्पेंडेड 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया? किस लिए? फॉर नेग्लिजेंस. किसमें? इन इंप्लीमेंटिंग IEDSS स्कीम. IEDSS स्कीम. तो पहले तो आप ये बताओ वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है. कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है फॉर नेग्लिजेंस इन इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम. दिस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज. तो IEDSS स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, जो बच्चे विद डिसेबिलिटी हैं, राइट, तो उनको भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए ना. तो यहां पर इसका मकसद यही है, सपोर्टिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, जिसमें जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटी आल्सो दे कैन कंप्लीट एटलीस्ट देयर 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग, राइट. तो इसके अंदर द स्कीम कवर्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. दे गिव स्पेशल अटेंशन टू गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज. तो बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी हर एक को क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस हो, ये एजेंडा है. ठीक है जी, चलिए तो आंसर पता चल गया, कर्नाटका. अगला सवाल, एंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउलेट रिसेंटली साइटेड एट विच टाइगर रिजर्व? मेलघाट टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही है. कहां पड़ता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये टाइगर रिजर्व की लोकेशन महाराष्ट्र में है या नहीं ये बता देना. चलो अगर नहीं है तो कहां है, अगर है तो यस, ठीक है, महाराष्ट्र में बताना मुझे. ट्राइकोग्लॉसम, ये टर्म न्यूज में रही है, ये किससे जुड़ी हुई है? अ जीनस ऑफ फंगस, यस, ऑप्शन सी. अगला सवाल, लेक रोटोरुआ रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये लेक कहां पर लोकेटेड है? हां जी, वेयर इज दिस लेक लोकेटेड? लोकेटेड न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन बी. अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रेप्स 3 प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है ना, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जी फेस 3, ये प्रोजेक्ट इज टू स्टडी कॉस्मिक रेस. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगला सवाल, कौन सी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा होगा ना आपने? नहीं पढ़ा? यूनिफॉर्म मतलब आप लगाओ कि रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, मतलब हर एक के लिए वो होता है ना कि सेम लीगल स्टैंडर्डाइजेशन हो, जहां पर मतलब जो प्रोसीजर है डाइवोर्स के लिए वो भी एक हो, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स एनफोर्स करना, राइट. एंड दिस प्रपोज मेजर्स आल्सो इंक्लूड की बैनिंग पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, राइट, कॉमन मैरिजेबल एज हो सबके लिए, राइट, एंड यू आर एनफोर्सिंग यूनिफॉर्म ग्राउंड्स प्रोसीजर्स फॉर डाइवोर्स, फॉर प्रमोटिंग लीगल स्टैंडर्डाइजेशन हो. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, एक और होमवर्क है आपके लिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कहीं UCC के बारे में बात हुई है, या फिर वो कौन सा आर्टिकल है अगर ऐसा है दैट मेंशंस यूनिफॉर्म सिविल कोड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा सा खुद भी सर्च किया करो. कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बन गई है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट सिस्टम? फ्रांस, सी. अगला सवाल, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडीवियर प्रोग्राम, ये न्यूज में रहा है, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? बताइए, दिस प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? हां जी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इस इनिशिएटिव के चलते यू आर कोलैबोरेटिंग विद एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, R&D सेंटर्स टू ट्रांसफॉर्म इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टू एनहांस ट्रैफिक एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज है, प्रोवाइड एडवांस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, ट्रैवल टाइम कम हो,
सेफ्टी और हो, कंफर्ट हो, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन सी. ओबेलिस्क, ये टर्म न्यूज में रही है, ये क्या है? व्हाट इज दिस ओबेलिस्क दैट वाज मेंशन्ड इन न्यूज? इट इज क्लास ऑफ वायरस लाइक एंटिटीज, ऑप्शन सी. ठीक है जी. रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी है दैट हैज आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल सुपर अर्थ दैट कुड हार्बर लाइफ? नासा ने किया है ये, नासा ने आइडेंटिफाई किया है, ऑप्शन ए. अगला सवाल है, इसमें से वो कौन से रशियन कॉस्मोनॉट हैं दैट रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड सेट किया है फॉर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस? ओलेग कोनोनेंको, ऑप्शन डी, याद रहेगा. अच्छा, पूछ लिया जाए विच ओरिजिन? रशियन. ठीक है जी. अगला सवाल है, किन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन बी. अगला सवाल, वेयर वॉज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इनोग्रेटेड? हैदराबाद. हैदराबाद, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. डस्टेड अपोलो, ये टर्म न्यूज में रही, इट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? तो सीधा अगर मैं सही आंसर पर आऊं तो ये बटरफ्लाई की स्पीशीज है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है. ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं. वापस से एक टर्म न्यूज में है, वापस से ये स्पीशीज की बात कर रही है. टर्म नाम है थ्रिपिस पार्विस्पाइनस, राइट? तो थ्रिपिस पार्विस्पाइनस ये किससे बिलोंग करती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? सो चार ऑप्शंस फिर आपके सामने हैं. इट इज इन्वेसिव पेस्ट स्पीशीज, तो ऑप्शन ए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लोकेशन हो गई एंड बेसिकली ऐसी चीजें हैं जैसे जो टर्म्स न्यूज में हो गई, हु अपॉइंटमेंट्स न्यूज में हो गई, कोई स्कीम. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीजें पता चलती ही जाएंगी. अब एक और नाम है, सो आपके पास सवाल है, सवाल जल्दी से पढ़ लीजिए और फिर मुझे आंसर, आप एक सेकेंड का टाइम दे देती हूँ, दो मिनट का, जल्दी से सोच लो. हागे, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, हागे गेनगोब, सो गेनगोब, हागे गेनगोब हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री से? नामीबिया सोचा था, अगर सोचा था तो सही सोचा. ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि इसमें से वो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी लग रही है जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रही है ऑफ अभ्यास दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अभ्यास? यहां पर एक मुझे आंसर दिख रहा है, अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. मतलब आप सोच लो क्या यही है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है. मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको और बताऊं तो ना, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन जुड़ा हुआ है, DRDO रिसेंटली दे सक्सीडेड इन कंडक्टिंग देयर 4 फ्लाइट ट्रायल्स हुई इसकी. अभ्यास बेसिकली ना, मैं आपको बताती हूँ क्या है. देखो ऐसा होता है कि हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना कि अगर किसी ने ऐसे कोई एनिमी आपके सामने आ गया तो आप किस तरीके से वार करोगे, आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, तो वही अभ्यास है. सो यहाँ पर भी अभ्यास बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ, आप लगा लो, हाई स्पीड एरियल टारगेट है, एक फ्लाइंग टारगेट है जो आर्म फोर्सेस को हेल्प कर रहा है इन प्रैक्टिस शूटिंग डाउन द एनिमी एयरक्राफ्ट, राइट? सो इट इज डिजाइन टू, वो होता है ना, रियल एनिमी थ्रेट्स की तरह यू आर मिमिक कर रहे हो आप उसका, कि व्हेन द मिलिट्री शूट्स इट डाउन, तो आपको एक रियल सिचुएशन में यू आर ऐसा अपीयर कर रहे हो आप कि यू आर प्रिटेंडिंग एट एज इन कि सामने वाला, जैसे होता है ना कि कोई प्लेन आ रहा है या कोई भी XYZ कोई एनिमी है, तो आप उसको कैसे शॉट डाउन करोगे, कैसे मिसाइल्स को शॉट डाउन करोगे, आप उस तरीके से जैसे सोल्जर्स को भी ट्रेन करते हैं. सो ये इसका पर्पस है. सो इट इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है प्रोग्राम? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जिसके अंदर इसका एम है टू कल्चरली मैप
इंडिया 6.5 लाख विलेजेस, तो इसके अंदर देखो जैसे आर्ट है गांव में, जो क्राफ्ट होता है, जो उनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, अगर वो हर किसी तक पहुंचे तो आप अपने इंडिया के रिच कल्चर को, उसके हेरिटेज को एक्सप्लोर कर सकता है हर कोई. लाइक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है दैट एनेबल्स द पीपल टू एक्सप्लोर आर हेरिटेज. ऑब्वियसली फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल हार्मनी और आती है, रूरल कम्युनिटीज में आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और बढ़ती है. यही इस प्रोग्राम का एजेंडा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ा हुआ. अगला सवाल है, इसमें से वो कौन सी कंट्री है दैट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. सो जिस कंट्री ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, वो है कैमरून. ऑप्शन सी. ब्लैक नेक क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ब्लैक नेक क्रेन? ए बी सी डी. फिर कहोगे मैम ने सोचने का टाइम नहीं दिया. चलो दिया, क्या सोचा, अभी तक तो सोच लेना चाहिए. नियर थ्रेटेंड. सॉर्टेड है. अगला सवाल है, एल्डेब्रा जाइंट टॉर्टोइस ये एंडेमिक है टू विच कंट्री? बताइए. दिस टॉर्टोइस इज एंडेमिक टू सेशल्स. ऑप्शन बी. हु वॉन 87 kg ग्रेको रोमन टाइटल एट नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? हाँ जी, रेसलिंग से जुड़े हुए सुनील कुमार. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अगला है एक रीजन, तो बताइए. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. वालपेराइसो रीजन, इट वॉज रिसेंटली न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर. और ये कहां पर लोकेटेड है? ब्राजील में? नहीं. पेरू में? नहीं. चिली? येस. तो ऑप्शन सी, एब्सोल्यूटली राइट. अगला सवाल ये है कि वेयर वॉज फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? चार जगहें हैं आपके सामने. पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई थी? हाँ जी, 4 दिन का, 4 दिन का कंपटीशन था दैट फीचर स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग इवेंट्स हुए फॉर अंडर 20 एथलीट्स. तो आंसर इज न्यू दिल्ली. ऑप्शन बी. सॉर्टेड है, चलिए आगे चलते हैं. दिस टर्म ल्यूपस, ये किससे रिलेटेड है? बताओ ये किससे रिलेटेड है? ऑटो इम्यून डिसीज. देखो होता क्या है, ल्यूपस क्या करता है, इट कॉजेज आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो मिस्टेकनली वो अपनी बॉडी के खुद के ऑर्गन्स और टिश्यू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में यू विल सी इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में, स्किन में, ब्लड में, राइट. एग्जैक्ट कॉज इसका इट इज स्टिल अभी नहीं पता है, इट इज अननोन. बट ये बिलीव किया जा रहा है कि बहुत जेनेटिकल हार्मोन्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इट माइट बी, और ये मेनली इफेक्ट करता है विमेन को. ठीक है, तो एक ऑटो इम्यून डिसीज है. ऑप्शन ए. दीन बंधु छोटा राम, छोटू राम थर्मल पावर प्लांट. सो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, इन विच कंट्री? हरियाणा के अंदर. करेक्ट, बी इज द राइट वन. अगला सवाल है, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर लोकेटेड है? त्रिपुरा. सी, एब्सोल्यूटली राइट. अगला सवाल, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल ब्लैक एचआईवी एड्स अवेयरनेस डे 2024? सो थीम क्या है? थीम है एंगेज, एडुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड एचआईवी एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? ये योजना सीनियर सिटीजन्स की वेलबींग को और ज्यादा एनहैंस करने के लिए ये स्कीम है, और यहाँ पर जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली लॉन्च करी है ये, अभी जिस स्टेट ने लॉन्च करी है उनका क्या नाम है स्टेट का? महाराष्ट्र नाम है उनका. ठीक है, चलो. ओके, कयसनुर फॉरेस्ट डिसीज, ये डिसीज इमर्ज हुई है इन विच स्टेट? इसको मॉन्की फीवर भी बोलते हैं. अगर नाम चेंज हो जाए ना तो भी डाउट नहीं आना चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ ही है. मॉन्की फीवर बोल दो या ये ऐसे कैसनर फॉरेस्ट डिसीज बोल दो, इट हैज इमर्ज्ड इन कर्नाटका. ऑप्शन ए. अगला सवाल, कौन सी सिटी है जिसने अनाउंस किया है फ्री बस ट्रेवल किसके लिए? फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. हाँ जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए. चार ऑप्शंस हैं आपके सामने.
जल्दी से आंसर सोचो और फिर बताओ क्या सोचा है। दिल्ली सोचा, दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन्स पर है, किलकारी प्रोग्राम अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव, इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स। हाँ जी बताइए, गुजरात और महाराष्ट्र का ये बेसिकली इनिशिएटिव है, तो आंसर इज सॉरी सी ऑप्शन, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगला सवाल है, सेबेस्टियन पिनेरा हु रिसेंटली पास्ड अवे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं ऑफ विच कंट्री, बताइए। हाँ जी चिली, करेक्ट बी। अगला सवाल है ओएनडीसी, ओएनडीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पोर्टल, ये न्यूज में रहा, ये लॉन्च किया गया बाय विच मिनिस्ट्री। हाँ जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो ओपन नेटवर्क है तो ओपन सोर्स है, तो यहां पर बेसिकली जो है जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सबने वो एक मोनोपोली बना रखी है ना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अगर मैं और डेमोक्रेटाइज करना चाहती हूँ, स्मॉल रिटेलर्स को भी एक्सपोजर मिले नेशन वाइड कि अगर मुझे ये पेन खरीदना है तो मुझे सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना पड़े, मैं ये पेन के बारे में मुझे पता चल जाए कि अच्छा कोई मणिपुर में बैठ के भी ये पेन 15 रुपए का दे रहा है और कोई अगर मैं देखूं कहीं पर मुझे 45 का मिल रहा है, कहीं उससे कम का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो कि वहां पर ना एक स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी फिर सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो वो जो डिजिटल मोनोपोली है कि मेरे को सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं, चलो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देख लिया, वो नहीं हो, और यहाँ पर यू आर प्रमोटिंग लोकल कॉमर्स कि अगर कोई कन्याकुमारी में बैठकर भी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, एक टी शर्ट बना रहा है जो कि आपको लेट से बेस्ट क्वालिटी के साथ 20 रुपए में, 200 रुपए में मिल रही है, लेकिन आपको नहीं पता है, राइट। तो वहां पर लोकल कॉमर्स जो है, जो अपना क्या बोलते हैं, लोकल कॉमर्स यही है जो अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो भी कनेक्ट कर पाए, उनको भी सपोर्ट मिले, तो ये ओएनडीसी पोर्टल का पर्पस है, और अपना आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोकबोरोक लैंग्वेज जो है, इट वॉज इन न्यूज, इट इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ विच स्टेट, फटाफट आंसर पे आ जाओ, नहीं आती, चलो आप सोच लो, सोच लिया इतना ही टाइम लगता है, त्रिपुरा, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर है कि विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू एम्पावर एमएसएमई, बताइए। डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल, अभी मैंने आपको ओएनडीसी के बारे में बताया, अब ये बेसिकली ये क्या है, ये पोर्टल क्या काम करता है, तो यहां पर मान लो वही आप एक स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस आपका है और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन थ्रू ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि क्या आपके पास वो सारे नेसेसरी टूल्स हैं, वो नॉलेज है टू डू द थिंग्स इफेक्टिवली, राइट। तो वहां पर इस पोर्टल काम आता है, तो एक लाइक आप बोल रहे चेकलिस्ट की तरह हो गई, सेल्फ असेसमेंट टूल हो गया, ये हेल्प करता है बिजनेसेस को टू अंडरस्टैंड कि इफ दे हैव मतलब प्रॉपर राइट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, रिसोर्सेज टू ज्वाइन द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, सो इट इज बूस्टिंग डिजिटल इंक्लूजन। क्लियर है, मैं साथ साथ बहुत ही लेमेन टर्म्स में आपको समझा रही हूँ, इससे ज्यादा लेमेन टर्म मतलब मैं यूज नहीं कर सकती, बिल्कुल बेसिक, ऐसे कि सोचो आप 8th क्लास में पढ़ते हो और एक 8th क्लास के बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है, मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज में, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बाकी तो आपको पता। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, रिसेंटली लॉन्च करी गई है बाय विच कंट्री, रशिया, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर है, जल्दी से पढ़िए, वापिस एक स्पिशियस इन न्यूज है, तो टेक योर टाइम, डू लेट मी नो द राइट आंसर। हाँ जी, स्टेनर निमा एडेम्सी एक इट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, निमेटोडो, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ल्ड पल्सेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा वो दिन है जब वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, 10th ऑफ फेब्रुवरी को होता है, एब्सोल्युटली राइट, 10th ऑफ फेब्रुवरी को होता है। अगला सवाल है, माउंट सिलिंगर फेल विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, हाँ जी बताइए, माउंट सिलिंगर फेल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आइसलैंड, ऑप्शन सी, मूविंग अहेड, प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव, न्यूज में रहा है, इट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
ये लॉन्च किया गया है बाय बीपीसीएल, अगर पूछ लिया जाए इट इज रिलेटेड टू एलपीजी। तो यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर क्या होगा, देखो डिलीवरी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, टू एनहैंस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव लाया गया है, जिसके अंदर जो अपने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी होती है ना वो और ज्यादा स्मूथ हो सके, कस्टमर रिलायबल हो। मतलब जैसे ईच सिलेंडर कम्स विद अ सील दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, राइट? तो वहां पर इट इंक्लूड्स क्यूआर कोड ताकि आप उसको स्कैन करके यू कैन ट्रैक द इंटेग्रिटी ऑफ द सिलेंडर, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा मेंटेन हो, यू आर गिविंग द कस्टमर द कॉन्फिडेंस कि भैया जो प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हो उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो एंड इट इज सेफ फॉर योर यूज। तो प्रोडक्ट सेफ्टी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग दी कस्टमर्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये न्यू सर्विस, ये न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? सरकार गांव के द्वार, हाँ जी, सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव जो है ना, ये बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट की कमिटमेंट होती है टू एंगेज विद ग्रास रूट कम्युनिटीज, उसको बेसिकली ये बात करता है, उस पर बात करता है जो जरूरत है प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, क्लीन, ये इंश्योर करना कि क्लीन वाटर हर किसी को मिले, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग है वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही चल रहा हो, राइट? तो उसके लिए ये इनिशिएटिव जो है ये लाया गया है, विच एम्स टू एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन बाय इंप्रूविंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। तो जिस स्टेट ने लेकर आया है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, बैनरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? कर्नाटका में, ठीक है, सी। मैं भी ऑप्शन ढूंढ रही थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे को बैनरघट्टा नेशनल पार्क देखते ही आपको बताए तो कर्नाटका में, आपको ऑप्शन में से आंसर ऐसे होता है कि मेरे को ढूंढना पड़े, ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, अच्छा कर्नाटका कहाँ है वो देखना है, बस इतना श्योर हो अपने आंसर के साथ। सेफ वेटलैंड्स कैंपेन ये न्यूज में रहा है, इट इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सेफ वेटलैंड्स कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका एम क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस लेकर आना। अगला सवाल है, महमूदिया वेटलैंड जो है ये कहां पर लोकेटेड है बताइए? ममूदिया वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है रोमानिया में, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने एमओयू साइन किया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद गूगल? गूगल के साथ एमओयू साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने एमओयू साइन किया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद, चार ऑप्शंस आ जाएंगे तो ध्यान रखना, गूगल। अगला सवाल है, अभी रिसेंटली इसमें से एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो बन गई है पहली टू री इंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज। तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापिस से उन्होंने अपने स्टेट में लेकर आया है, तो वो स्टेट है सिक्किम की, सी। मालप्रभा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की? चलो आप सोचो, इतना मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये नदी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एरएलसी न्यूज में रहा है, इट स्टैंड्स एट द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? मैं आपको कंट्री बता देती हूँ विदाउट अ डाउट, मतलब ऐसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये चीज ना मैप में जरूर लोकेट करो। तो मैप में जब तक नहीं देखोगे, यहां पढ़ भी लो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान याद कर लो, वो होता है रटा लगा लिया वो भी ठीक है, लेकिन ये चीजें मैप में बहुत जरूरी है। और स्पून फीडिंग पे अगर आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो वो गलत है, थोड़ा सा तो खुद भी आपको साथ देना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना पढ़ा रहे हैं, आपको एक होमवर्क दिया है कि भैया मैप में जाकर इसको थोड़ा देख लो, तो वो देख लीजिएगा कि एरएलसी मैप में, अच्छा ये बाउंड्री है, यहाँ कजाकिस्तान पड़ता है, यहाँ उज्बेकिस्तान पड़ता है, फिर जब कजाकिस्तान देखोगे तो अच्छा लगेगा ऊपर और किस किस कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ लग रही हैं, राइट? तो इस तरीके से चार चीजें और भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। फिर हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के न्यू ब्रांड एम्बेसडर का नाम है नरेंद्र कुमार यादव। अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 बाय WHO?
इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है दैट हैज बीन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 बाय WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। कहां हुआ था 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, जिसका मकसद है पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कोलैबोरेशन, राइट? बताइए, आंसर इज लखनऊ, ऑप्शन ए। अगला सवाल, नजूल लैंड, इट वॉज इन न्यूज, ये एसोसिएटेड है विद विच स्टेट? इट इज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड, ऑप्शन ए। मूविंग अहेड, आंसर देख लिया। चलिए, अलास्का पॉक्स क्या है? बैक्टीरियल इंफेक्शन है, डीएनए वायरस है, बस यही रुक जाओ, डीएनए वायरस है। ठीक है, मूविंग अहेड, स्वाति पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? चलो मैं आपको वैसे बताती हूँ पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप आंसर पे खुद से आ जाओ। विमेन्स ने, गर्ल्स ने जो स्टेम फील्ड में, यहां पर ना स्टेम में एक चीज ध्यान में रखना, स्टेम जब स्वाति पोर्टल की बात हो रही है ना, तो स्टेम में डबल एम आ रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और एक और एम किस लिए है, मेडिसिन के लिए है, यहां आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जिन्होंने इस फील्ड में अचीवमेंट लेकर आई हो, तो ये इनिशिएटिव है जिसके चलते आप एक होता है ना कि यू आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, जिसके थ्रू यू विल हैव दैट नॉलेज कि अच्छा, जेंडर डिस्पैरिटी की जब मैं बात कर रही हूँ, वो गैप कितना है, कहाँ है, उस तरीके से यू विल क्रिएट सर्टेन पॉलिसीज ताकि और ज्यादा इंक्लूसिविटी लेकर आओ आप जेंडर डिस्पैरिटी में, हाउ यू विल टैकल विद दैट चैलेंजेस इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स, और ज्यादा वुमेन्स और गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेंगे फिर। सो इट इज अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम, पर वो डबल एम वाला, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2024 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2024? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है ए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, कौन सी डिसीज के लिए? लिम्फेटिक फिलेरिसिस का नाम सुना है, बस इसके लिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। IREDA ने साइन किया है एक MOU, वो पूछ रहे हैं विद विच IIT, किस लिए किया है ये साइन? फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड दैट IIT इज भुवनेश्वर। तो IREDA ने भुवनेश्वर के साथ MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में और ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च के लिए। Forever Chemicals, ये टर्म न्यूज में रही है, आपको बताना है इसमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस टर्म Forever Chemicals। Highly persistent man-made chemicals that hardly degrade in natural environment, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इनको PFAS, they are also known as पर एंड पॉलीफ्लोरोल्काइल सब्सटेंसेस, इतना ध्यान में नहीं रखो, PFAS, दे आर नोन एज फॉरएवर केमिकल्स। तो ये देखे जाते हैं, पाए जाएंगे आपको फूड पैकेजिंग में यूज होते हैं, राइट? सो दे हैव बेसिकली, दे हैव क्रिएटेड अ, रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड अ क्विक लेबोरेटरी मेथड टू डिटेक्ट फॉरएवर केमिकल्स इन फूड पैकेजिंग, वाटर, सॉयल। तो ना ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत हाईली परसिस्टेंट है, इसका मतलब आसानी से टूटते नहीं है, राइट? दे कैन स्टे इन द एनवायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो यहां पर रिसर्चर्स बेसिकली दे आर वर्किंग, दे हैव डेवलप्ड दिस मेथड फॉर एफिशिएंट डिटेक्शन ऑफ दिस केमिकल, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, ड्रेसिंग की, इनकी प्रेजेंस कहाँ कैसे है इन द एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज वेल, ठीक है, ताकि फिर हेल्थ रिस्क को फिर आगे आप इससे एसोसिएट करके यू कैन कम अप विद अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। CM एलिवेट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कौन सी सरकार, स्टेट की सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लेकर आया है ये, जिसके चलते आप क्या कर रहे हो, जो अपना स्टार्टअप खुद का लेके आना चाहते हैं, अपना कोई और बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना, राइट? तो उसके लिए ये है प्रोग्राम, और जो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है वो है मेघालय, ऑप्शन बी। रोलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है?
ये सेंचुरी कहाँ है? बहुत इजी, नो रॉकेट साइंस, सीधा आंसर आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 टू बैन मैजिकल हीलिंग? तो बेसिकली इफ एनीवन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट इन द नेम ऑफ, कि अच्छा ट्रीटमेंट है ये और इसके चलते यू आर डूइंग मैजिक हीलिंग, वो पनिश होगा, जेल होगी, फाइन होगा। तो जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन। मैजिकल हीलिंग के नाम पे यू आर डूइंग दिस, राइट, टू बैन दिस मैजिकल हीलिंग। तो आसाम की सरकार लेकर आई है ये बिल। वर्ल्ड यूनानी डे कब होता है? हर साल होता है। कब होता है? 11th ऑफ फेब्रुवरी को होता है। थीम मुझे जरा कॉमेंट सेक्शन में आप बताना, ये आपका होमवर्क है। मूविंग अहेड, वेयर वॉज फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ हुई? यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल, फायर कैप्टिट इट बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? बर्ड, ऑप्शन ए। अगला सवाल, दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, क्रिकेट डी ठीक है। चलिए अगला सवाल है, रिसेंटली आईईई केरला सेक्शन हैज गिवन केपीपी नामदियार अवार्ड, किसको दिया है? एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन ठीक है। हस्सल मीनार कहां पर लोकेटेड है? हस्सल मीनार कहां है? इट इज लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट दिल्ली बेसिकली, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि वेयर वॉज द स्टैच्यू ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? देहरादून, करेक्ट बी। नेशनल वुमेन्स डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13th ऑफ फेब्रुवरी को होता है, बी ठीक है। मूविंग अहेड, 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट रिसेंटली ये न्यूज में रहा है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है 10 सिटीज का ये कॉन्सेप्ट? आसाम ने, आसाम की सरकार, आसाम की सरकार ने बेसिकली ये 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है टू फॉस्टर अर्बन डेवलपमेंट, वो भी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अक्रॉस 10 सिटीज इन द स्टेट। वहां पर मतलब आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, आप बैलेंस डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। आंसर हो गया अपना बी। इसमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर केंदु लीफ प्लकर्स एंड बाइंडर्स? तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है वो है उड़ीसा की सरकार ने ये अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसके चलते उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एलोकेट किए हैं 150 करोड़ टू सपोर्ट केंदु लीफ प्लकर्स। अगला सवाल है, ये एक रिपोर्ट है दैट इज प्रभाव, विच बैंक हैज रिलीज दिस? सिडबी, करेक्ट। अगला सवाल है, इंडिया और बांग्लादेश ने लॉन्च किया है इनॉग्रल ट्रायल मूवमेंट ऑफ वेसल्स बिटवीन विच टू पोर्ट्स? दो पोर्ट्स के बीच में, ऑब्वियसली आपके चल इसके चलते ट्रेड एफिशिएंसी और अच्छी होगी, रीजनल कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। सो इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च दिस इनॉग्रल ट्रायल मूवमेंट ऑफ वेसल्स बिटवीन माहिया पोर्ट एंड सुल्तानगंज पोर्ट, सॉर्टेड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ई जागृति पोर्टल का, और ये न्यूज में रहा है पोर्टल, बताइए। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, टू फैसिलिटेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ई जागृति पोर्टल इज देयर फॉर यू। ओके, कैस्केडा डोडर क्या है? फिश है, वायरस है, स्पाइडर है, इन्वेजिव वीड है? ए सही आंसर है। अगला सवाल है, रिसेंटली इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, जिसके चलते बात हो रही है प्रोक्योरमेंट की ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम्स? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। किसने, अच्छा ऐसे बोला जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ किया है, ऐसे भी ध्यान में रखना। हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स अनवील्ड बाय विच कंट्री? चाइना, मतलब
अगर इंडिया का होता तो हम इस पे और बात करते, बट जब कुछ दूसरे देश का बिल आता है या कुछ ऐसी चीजें होती है जो उन्होंने की है, एटलीस्ट पता हो बस क्या किया है उन्होंने, ठीक है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ये इंट्रोड्यूस किया है कौन सी कंट्री ने? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ? तो मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि स्वयं स्कीम का मकसद क्या है, रूरल यूथ को जो अनएम्प्लॉयड है, जो अंडर एम्प्लॉयड है, उसको 1 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि वो अगर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सके, और ये उड़ीसा की सरकार लेकर आई है। रिसेंटली इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल? ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ठीक है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम न्यूज में रहा, एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड रेटिंग सिस्टम है, फॉर विच सेक्टर? हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें आपका मकसद है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है ना, जैसे होटल्स हो गए, रिजॉर्ट हो गए, होम स्टेज हो गए, वहां पर हाइजीन को एनहांस किया जाए और ज्यादा, ठीक है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इट इज इन न्यूज, इट इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैसिनी हाइजेंस मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये मिशन का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेटिंग द एटमोस्फेयर एंड मून्स ऑफ सैटर्न। यहां नाम चेंज कर देंगे वो, तो ये ध्यान में रखना प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। ओके, एटेमस्ट्रोस्ट्रिप्टिस लेप्टोप्टिलोस रिसेंटली सीन इन न्यूज, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, पर्पस यही है कि आपको बस ये पता हो कि इट बिलोंग्स टू अ स्पीशीज एंड दैट नेम इज माइपेड, ठीक है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी न्यूज में रहा है, ये किससे डील करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स से, बी। रियलिटी टेक फॉर्म अनवील अ डिजिटल ट्विन ऑफ मोहम्मद कुली किताब शाह टॉम्ब इन विच सिटी? हैदराबाद, ऑप्शन ए। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस लॉन्च करी गई है, कौन सी स्टेट में? सोचो स्टेट का नाम। देखो जो भी एक्सीडेंट के टाइम पे जो विक्टिम्स होते हैं विद इन दैट 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ द क्रिटिकल केयर, तो वहां पर देखो इसका एम है ना कि यू स्विफ्टली एयरलिफ्ट द एक्सीडेंट विक्टिम्स, जिसके चलते गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि मेडिकल आउटरीच जो है और जो टाइमली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए पेशेंट्स का, उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जैसे हिली टेरेंस के अंदर हो सकता है, राइट? तो दैट इज द एजेंडा उत्तराखंड के अंदर हुआ है। अगला सवाल है, रिसेंटली इसमें से वो कौन सी स्टेट पुलिस फोर्स है जो बनी है पहली इंडिया के अंदर जिसने ड्रोन्स को यूटिलाइज किया फॉर लॉन्चिंग टीयर गैस? फार्मर प्रोटेस्ट के चलते ये न्यूज में है, आंसर इज हरियाणा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है द रिन्यूड पोर्टल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? लाइफ स्टॉक सेक्टर, हां जी लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए है ये, उसको बूस्ट करने के लिए है ये, एंड आउटले जो है वो हुआ इसका 29,610 करोड़ के आसपास। जिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वो है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत सिंपल, मध्य प्रदेश में। आंख बंद करके इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट का? उत्तर प्रदेश का ये इनिशिएटिव है, ठीक है जी, जिसके चलते जो लड़कियां जो हैं जो चैलेंजेस फेस करती हैं उसको एड्रेस करा जाए और उनकी वेलबींग को एनहांस किया जाए फ्रॉम बर्थ थ्रू देयर पूरा एडुकेशनल जर्नी, उत्तर प्रदेश। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से बैंक को मिला है? साउथ इंडियन बैंक, बी। रिसेंटली इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने क्रिएट करे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम दैट रिलाइज ऑन साउंड टेक्नोलॉजी? तो जिस इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया है एंटी ड्रोन सिस्टम वो है आईआईटी जम्मू, ठीक है। वन मित्रा स्कीम कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट लेकर आई है टू बूस्ट ग्रीन कवर, बताइए? हां जी, क्या लगता है
कम्युनिटी ड्रिवन है, आप यू आर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन एक्सपेंडिंग द स्टेट्स ग्रीन कवर, हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई है। अगला सवाल है, डिप्थेरिया न्यूज में है, इट इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स, एंड द आंसर इज बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंड अ पैक फॉर यूपीआई एनपीआई लिंकेज, इंडिया और नेपाल राष्ट्र बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक। रिसेंटली आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज साइन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट, किस लिए? फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। कौन सी आईआईटी है? आईआईटी रुड़की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम्स इंस्पायर्स प्रोग्राम न्यूज में रहा है, इट इज असिस्टेड बाय विच मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक। अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए, $100 मिलियन की एलोकेशन के साथ ये प्रोग्राम स्पैन करेगा अक्रॉस बेसिकली फॉर 5 years, जिसमें 9 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया गया है, जिसके चलते आपका पर्पस ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो अक्रॉस सेक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो इंक्लूसिव हो, वुमेन और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट हो, राइट? सो दैट इज द एजेंडा। वर्ल्ड बैंक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? संजय कुमार जैन जी को अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली कौन सी कंपनी बन गई है वो पहली इंडियन टू सरपास 20 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कंडक्टेड BSC एक्सपो 2024? एंड द आंसर इज ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये मिशन है, दैट इज इन न्यूज, मिशन वसुंधरा, इट इज एन इनिशिएटिव, और ये कौन सी सरकार का इनिशिएटिव है? आसाम की गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। बेसिकली इसमें फोकस किया जा रहा है कि यू सर्वे द लैंड दैट इज विद इन रिवराइन एरियाज ऑफ आसाम, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से ये मिशन लाया गया है। आसाम इज द राइट आंसर। अगला सवाल बेसिकली है कि ये लैंड आपके सामने है और ये पूछा गया है कि ये लैंड कहाँ पर है, तो बेसिकली सवाल यही है कि पंडारम लैंड है, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, एंड आंसर इज लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप में है, ऑप्शन ए। ठीक है, रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मेराइन MP4 इन विच लेक ऑफ उड़ीसा? कहाँ डिस्कवर किया है ये न्यू स्पीशीज? चिलिका लेक पे, तो ऑप्शन सी। इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, वो आपको बताना है किसके साथ किया है, कौन सी कंट्री के साथ किया है, फॉर शेयरिंग ओपन सोर्स्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आंसर इसका क्या है, आपको क्या लगता है? कोलंबिया। तो इंडिया ने बेसिकली कोलंबिया के साथ ये MOU साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों देश आपस में कॉपरेशन और फॉस्टर करेंगे इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर यू विल शेयर सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस जो कि दैट हैव बीन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एट लार्ज स्केल। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर, मतलब हाउ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एडवांस्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जैसे हम आप COVID-19 पैंडेमिक के टाइम पे ही देख लो, जिसकी वजह से वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, उसके बाद डिजिटल चीजें होने लग गई थी ना, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है। वेयर वॉज द स्टैच्यू ऑफ खासी फ्रीडम फाइटर तिरोथ सिंह रिसेंटली अनवील्ड? And the answer is Dhaka, option B. Where was 12th edition of Milan Naval Exercise held? तो मिलन जो exercise है, इसका 12th edition हुआ विशाखापट्टनम के अंदर, option D. प्रभावो सुबियांतो recently in news, ये बन गए new president of which country? चार options हैं आपके पास, country का नाम आपको क्या लगता है? सोचा? इंडोनेशिया सोचा? अगर इंडोनेशिया सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये है कि रिसेंटली वेयर वर द आयरन ओर डिपॉजिट्स अनकवर्ड इन राजस्थान? हाँ जी बताइए, करौली, ऑप्शन सी। पीएम स्वनिधि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी? पीएम स्वनिधि स्कीम,
सबने इस स्कीम के बारे में पढ़ा ही होगा, बहुत न्यूज़ में रही है ये स्कीम, जिसमें बात होती है, ये ना 2020 में 1 जून को ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें आप बात करते हो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन देने की, और मिनिस्ट्री जो इससे जुड़ी हुई है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिसेंटली इसमें से वो कौन सी कंट्री है जो बन गई है पहली ऑर्थोडॉक्स मेजॉरिटी नेशन जिसने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज? एंड आंसर इज ग्रीस। ग्रीस वो पहली ऑर्थोडॉक्स मेजॉरिटी नेशन है वो जिसने सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया है। ठीक है, तीन ये जगहें हैं, दैट इज जेमिथेंग, ताक्सिंग, चयांगता, जो आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, इट वॉज इन न्यूज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के चलते। ये कहां पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सोचा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? इसमें क्या बात हो रही है ना, जो बॉर्डर एरियाज पे जो गांव है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं बॉर्डर एरिया से वो नहीं आए, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नेट कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड, वो सब यहाँ देने की बात करी जा रही है। विलेजेस को वाइब्रेंट बनाना जो बॉर्डर एरियाज के पास पड़ते हैं अपने। नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है, मतलब ये कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है? राजस्थान से। ठीक है, भारतीय भाषा समिति का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। भारतीय भाषा समिति का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए? देखो, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना एडुकेशन में, तो यहाँ पर अपना जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी देट विल बी अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? तो आप अपने जो लैंग्वेज है उसको प्रमोशन कर रहे हो, यू आर एम्फसाइजिंग दैट। ठीक है, तो आंसर हो गया प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन एडुकेशन। साइंटिस्ट रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ऑन द सर्फेस ऑफ टू एस्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप? एंड वो टेलीस्कोप है सोफिया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा है जो टेलीस्कोप है ना, कौन सी एजेंसी बेसिकली आप इससे जुड़ी हुई है? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप चलो मुझे बताओ, ये चलो आप पे होमवर्क है, थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लो, क्या नासा, जर्मन स्पेस एजेंसी जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा खुद पे सर्च करना, खुद से सर्च करना एंड डू लेट मी नो। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? वेरी इजी, महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन बी। सोमनसाई फेस्टिवल कौन सी कंट्री का फेस्टिवल है? ये जापान का है। कहाँ है जापान? सी ऑप्शन। अगला सवाल है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पहली बार कहाँ इनॉग्रेट किए गए हैं? ये बेसिकली एक स्पेस स्पेस होगा, सेफ स्पेस हो फॉर चिल्ड्रंस और फॉर चिल्ड्रन, तो यहां पर ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। प्राइमरी रोल क्या है ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? प्राइमरी रोल ऑफ CH-47F हेलीकॉप्टर, हैवी ट्रूप एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट, दिस इज देयर प्राइमरी रूल रोल, सो इट इज यूज फॉर दैट। ठीक है, द चार्स रिसेंटली इन न्यूज या रिवराइन एरियाज, ये एसोसिएटेड है विद विच रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल ये है, सागर आंकलन रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिलीज करा है सागर आंकलन गाइडलाइंस फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? चलो ऑप्शंस आपके पास है, सागर आंकलन गाइडलाइंस का एम क्या है? इंडियन पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहैंस करना। सो जो गाइडलाइंस हैं दे फोकस ऑन मैपिंग, बेंचमार्किंग एंड अलाइनिंग सच स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, तो आप इंडियन पोर्ट्स की फंक्शनिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू आर मेकिंग इंडियन पोर्ट्स मोर एफिशिएंट, यू वांट दैट, तो आंसर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नागी बर्ड फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है? ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है कौन सी स्टेट से? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, बिहार सोचा है किसी ने, सी ऑप्शन, तो एब्सोल्युटली राइट। अनुवादिनी क्या है? सैटेलाइट नहीं है, ट्राइबल लैंग्वेज नहीं है, एआई टूल है, बिल्कुल ये एक एआई टूल है। तो क्या करता है ये अनुवादिनी एआई टूल? अनुवादिनी बेसिकली जैसे आप लगा लो कि आप अच्छा एक ट्रांसलेशन ऐप है, राइट? जैसे
आपने कुछ जैसे कोई इंग्लिश में कंटेंट है, आप उसको वेरियस लैंग्वेजेस में, यू वांट दैट रैपिड कन्वर्जन, राइट, दैट टू वाया मशीन लर्निंग. तो ये इनिशिएटिव ऑफर कर रहा है 12 रीजनल लैंग्वेज चॉइसेस फॉर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए. तो यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल अनुवादिनी एआई टूल एक मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन ऐप है, एंड जिसमें आपका जो कंटेंट है इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेजेस. ठीक है. पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री कौन सी है? मैं आपको पहले इस योजना का पर्पस बता देती हूँ. आर्टिजन्स और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको ऑफर करना अफोर्डेबल लोन, स्किल ट्रेनिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रमोट करना. तो बेसिकली आप क्या चाह रहे हो? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट. तो मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसमें से कौन सा बैंक है इंडिया का जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है विद एम्स, किस लिए? टू लॉन्च स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन. तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ये स्मार्ट पेमेंट कार्ड होगा जिसमें कोई सर्विस चार्ज भी नहीं होगा. इट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. जो आपका वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी आपको मिली हुई होती है ना, तो उसके तहत द कार्ड इज लिंक्ड टू दैट पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है. तो जो बैंक ने कोलैबोरेट किया है वो है SBI. आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट का? जम्मू एंड कश्मीर का ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये एक ना टेली मेडिसिन सर्विस है जहां पर पेशेंट्स जो हैं वो अपना जो भी उनकी एलिमेंट है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बताएंगे, एंड द एआई डॉक्टर जो हो दैट द एआई डॉक्टर विल रिस्पॉन्ड इन दैट सेम लैंग्वेज. ठीक है जी. सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, डन, आगे चले. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड अ पोर्ट कॉल एट मपुतो पोर्ट मोजाम्बिक? तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है जिसका नाम हमें बताना है वो है वराहा. ठीक. 16th म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये हुई जर्मनी के अंदर, ऑप्शन ए. यूरोपियन यूनियंस रिसेंटली लॉन्च मिशन एस्पाइट्स. अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये मिशन एस्पाइट्स जो है ये किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन का ये लॉन्च्ड है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मिशन एस्पाइट्स इन द रेड सी? इसका पर्पस है हाउ दी रेबल से कमर्शियल वेसल्स की प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक बाय ईरान बैग हाउदीज. ठीक है. रिसेंटली इसमें से वो कौन सी स्टेट है दैट हैज सिक्योर्ड 740 करोड़ अंडर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम? चलिए बताइए. चार ऑप्शंस हैं आपके पास. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड 740 करोड़, द हाइएस्ट इन इंडिया, राइट. ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ना उसका है, इट इज अ रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ इट. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है जिसमें आप जो आपके स्टेट के हायर एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020 की, सो वो उसके लाइन में हो, राइट. सो दैट इज दी पर्पस ऑफ इट. उत्तर प्रदेश कौन सी कंट्री है दैट होस्टेड थर्ड मीटिंग ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट? एंड द आंसर इज इंडिया. ठीक है. अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर है. मुख्यमंत्री हरित विकास छत्रवृत्ति योजना कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च करी है? बताइए कौन सी स्टेट ने ये योजना लॉन्च करी है? इट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स जिसमें एम्फसाइज करा जा रहा है क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स जो हैं उन पे. सो यहाँ पर स्टेट का एम है टू कोलैबोरेट विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ऑल्सो. तो जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, उसको एड्रेस करना, राइट. और कैसे यू कैन टेक स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन एज वेल. तो आंसर हो गया अपना हिमाचल प्रदेश. ओके, व्हाट आर आयरिस एंड मिजेलिया रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? ये एस्टेरॉयड्स है, एब्सोल्युटली राइट, ये एस्टेरॉयड्स के नाम है. वेतरना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्रिम्बकेश्वर हिल से. क्वेश्चन पूरा पढ़ सकती थी, यही है. वेतरना रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो मैंने सिंपल आपको यही कह दिया कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो गुस्सा मत करना कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था. ठीक है. मध्य प्रदेश ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया बनाना फेस्टिवल. अच्छा, ये मुझे पता चल गया मध्य प्रदेश ने किया. कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया? बुरहानपुर,
रिसेंटली IREDA और वो कौन सा बैंक है जिन्होंने एक MOU साइन किया है टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? सो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी. नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर, वेयर वॉज दिस फेयर हेल्ड? बताइए. जो नीम, मतलब उसके हाइलाइट्स होते हैं ना, जो इसके एप्लीकेशंस लगा लो एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी में, तो उसको ये इवेंट हाईलाइट कर रहा है. नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उसके जो मल्टी फेसेटेड बेनिफिट्स हैं उसको हाईलाइट कर रहा है ये इवेंट यहाँ पर. एंड समिट न्यू दिल्ली के अंदर ये हुई. इंडिया की रैंक क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? 85th. बी, प्राइमरी फोकस ऑफ इंडेक्स एक्स इनिशिएटिव, ये न्यूज में रहा है, क्या फोकस है इसका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? डिफेंस सेक्टर के अंदर एडवांसिंग हाईटेक कॉपरेशन, तो आंसर इज बी. रिसेंटली इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च करी है? सैनिटेशन सर्विसेज को एनहैंस करना, ठीक है, इंप्रूविंग दैट, तो आंसर इज अपना उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा काफी चीजें लेकर आ रहा है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्कि धाम टेम्पल, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सांभल में. ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है स्वयं स्कीम? अच्छा, ये पूछा जाए स्वयं स्कीम किस लिए है? यूथ को एम्पावर करने के लिए विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स. ये मैं पहले कर चुके हैं हम, ये उड़ीसा की स्कीम है, अभी हमने पीछे सवाल देखा था. इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ? बताइए. तो आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कपिलवस्तु रेलिक रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, ये एसोसिएटेड है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धा, बुद्धा, डी, तो डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके सामने है. फैज फैजल, हु रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? एंड आंसर इज क्रिकेट से जुड़े हुए, डी. इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द स्टेट आइकन बाय पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस? कौन से इंडियन क्रिकेटर को पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एज द स्टेट आइकन अपॉइंट किया है? शुभमन गिल को. ठीक है. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? ये होता है 21st of February. अमीन सायनी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? रेडियो प्रेजेंटर. सी, खजुराहो डांस फेस्टिवल एसोसिएटेड है कौन सी स्टेट से? सबको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश से. डी, अच्छा, कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन हैज जापान कमिटेड टू इंडिया? चलो, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन टेक योर टाइम, बताओ. 232.2 बिलियन, फर्स्ट ऑप्शन. एब्सोल्युटली राइट. समक्का सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना के अंदर. नीलगिरी मार्टन इज एंडेमिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया? वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन ए. रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, कौन से फॉरेस्ट में? एमेजन रेन फॉरेस्ट. हाँ जी, आगे बढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. अगला सवाल है, इसमें से वो कौन से क्रिकेटर हैं दैट मेड फास्टेस्ट 10,000 रन्स इन T20? बाबर आजम. करेक्ट, क्रिकेट के फैंस. एम्स जम्मू वॉज रिसेंटली एस्टैब्लिश, ठीक है, अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम? स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स जम्मू रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि एड्रेस करता है रीजनल, ये स्कीम, ये योजना जो है इट एड्रेसेस जो रीजनल हेल्थ केयर इम्बैलेंसेज है ना, उसको, कि जो टेरिशरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल हो और मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज जो है अक्रॉस इंडिया वो इम्प्रूव हो, ये पर्पस है योजना का. कितने गोल्ड मेडल्स इंडिया जीता इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तीन. हाँ, तीन. रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया है $1 मिलियन टू IBS से फंड पॉवर्टी और हंगर एलिवेशन के लिए? इंडिया ने. बी, ठीक है जी.
कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली पास किया है एक बिल जो प्रोहिबिट करता है हुक्का बार्स इन द स्टेट? कर्नाटका ने किया है ये. डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर. 28th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वेयर वॉज इट हेल्ड? न्यू दिल्ली में. सी ऑप्शन. वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024 की थीम आर वर्ल्ड आर थ्राइविंग फ्यूचर. आर वर्ल्ड आर थ्राइविंग फ्यूचर. रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है इंडिया लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? IIT गुवाहाटी. याद जो नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ये रिवीजन ही है, तो यहां पर आप चीजों को याद करते चलो, बस इतना है. एंशियंट बदामी चालुक्य टेम्पल्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मुदिमनिकियम विलेज अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रिवर का नाम घुमा फिरा के पूछा है. नदी है अपनी कृष्णा रिवर. ठीक है. किरुहाइडल प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? टाइम ले लो, चलो ना, बीच बीच में ऐसा होता है, मैंने देखे हैं कमेंट्स कहीं से बोलते हैं थोड़ा रुक जाते, चलो रुक गए हैं तो सोच लिया. जम्मू एंड कश्मीर सोचा किसी ने. डी. इसमें ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन में लगता नहीं है, जहां एक्सप्लेनेशन होती है वहां मैं देती जाती हूँ. TU-160M ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर का नाम है. ठीक है. कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024? श्रीलंका ने. सी. ठीक है. कौन सी दो मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है, किस लिए? टू लॉन्च एन इनिशिएटिव. वो इनिशिएटिव क्या करेगा? ट्राइबल स्टूडेंट्स की हेल्थ पे फोकस करेगा. तो मुझे यहां से पता चल रहा है एक ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री होगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें ऐसा लगता कि एडुकेशन होगी या कोई, मतलब ध्यान रखो हेल्थ की बात आ जाएगी इधर, आयुष और इधर ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है. गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है राष्ट्रीय उद्यमित विकास परियोजना फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रीय उद्यमित विकास परियोजना एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग. तो PM स्वनिधि बेनिफिशियरी इसका सही आंसर है. ठीक है. अगला सवाल ये है. मनोहर जोशी हु रिसेंटली पास्ड अवे चीफ मिनिस्टर थे, कौन सी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शन बी. अ टीम ऑफ कंजर्वेशनिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द नेस्टिंग साइट ऑफ कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन केरला? बताइए कौन सी नदी के पास उन्होंने डिस्कवर किया है नेस्टिंग साइट ऑफ दिस सॉफ्ट शेल टर्टल? चंद्रगिरी रिवर. सी. 8th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2024 की थीम पूछी है. थीम क्या है? जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द एरा ऑफ फ्लक्स. डी. ठीक है. अगला सवाल है. दुर्गा टू अ लेजर वेपन रिसेंटली डेवलप्ड किसने किया? DRDO ने. हाँ जी. अगला सवाल है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नर्मदा रिवर. ऑप्शन ए. व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023? इंडिया की रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट 80th. ऑप्शन बी. काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बहुत सिंपल है ये चीजें तो, कर्नाटका. सिंपल याद करने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ समझाने का नहीं. हमें एक टाइगर रिजर्व कहाँ है क्या समझाने का है. 11th बाइलेटरल काउंसिलर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड US इट वॉज हेल्ड, वेयर वॉज इट हेल्ड? बताइए. दोनों देशों के बीच में ऑन काउंसिलर इशूज यू नीड टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन, राइट, जिसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे कि मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को लेके, सेफ एंड लीगल माइग्रेशन को लेके, प्रोटेक्शन हो ऑफ वल्नरेबल वुमेन एंड चिल्ड्रंस, राइट, तो स्मूथ ट्रेवल हो, सेफ ट्रेवल हो दोनों देशों के बीच में. सो आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए. ठीक है जी. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम इट वॉज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? उड़ीसा से जुड़ी हुई ये स्कीम है. अगला सवाल ये है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसे रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट ऑफ FATF? UAE को. हाँ जी, UAE को. अगला सवाल है. फर्स्ट एवर महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो इट रिसेंटली होस्टेड कहां पर, कौन सी सिटी में इट वॉज होस्टेड? पुणे में. तो
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. तो यहाँ पर बेसिकली जो एमएसएमई का ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन है ना डिफेंस इंडस्ट्री में और इनोवेशन को और आगे लेके जाने में, तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सपो के अंदर हाईलाइट भी हुआ. शाहपुर कांडी डैम कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे? रवि रिवर पे. ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में रहा है ये शाहपुर कांडी डैम, ये आपको पता होना चाहिए. जिसके चलते अभी क्या है ना, देखो हम इंडस वाटर ट्रीटी, अगर आपको पता हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ICJ इंडस झेलम झेलम चेनाब नदी तो चलो पाकिस्तान के पास है, आसा इन द सेंस मैं लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, जैसे रवि है ब्यास है इंडिया के पास, इंडिया इसके पानी को यूज़ कर सकता है. तो बहुत सालों से हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे. इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की वजह से आपने हेडलाइंस देखी होंगी, बहुत आ रखी थी कि पाकिस्तान को जो रवि रिवर का पानी है वो जो फ्लो है वो इंडिया ने रोका, वो दैट इज द रीजन इज कि ये डैम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम इस नदी का जो पानी है वो अच्छे से फिर यूटिलाइज कर पा रहे हैं. कौन सी कंट्री है, विच कंट्री इज फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट दी कन कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट? तुर्की. तुर्की. ठीक है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन? इंडिया की मिनरल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ दिसंबर 2023 में? 5.1%. ऑप्शन ए. धर्म गार्डियन एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? बहुत ही इजी है, इंडिया और जापान के बीच में. ए. रिसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने ना एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो आपको बताना है कौन से बैंक के साथ किया है. एग्रीमेंट का पर्पस है स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना, तो आंसर इज सिडबी. इसमें से वो कौन सी स्टेट है दैट एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल फंड, वो फंड किस लिए है? टू सेव पर्पल फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट. तो जो स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है ये फंड टू सेव पर्पल फ्रॉग, वो है तमिलनाडु. डी. अगला सवाल है IIT मद्रास, पहले तो ये पूछा जा सकता है कौन सा IIT. IIT मद्रास ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है, आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ, टू डेवलप गर्भिणी GA2 AI मॉडल. तो आंसर इज ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है. तो ये ध्यान में रखिएगा, इस मॉडल से बेसिकली जो एज है ऑफ फिटस इन द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वो डिटरमाइन करी जा सकती है. ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड? अबुधाबी में. ठीक है, सवेरा ये प्रोग्राम है फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रोग्राम किस लिए है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया बाय हरियाणा. डी. रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसका एम है टू प्रोड्यूस 1 to 5 lakh tons ऑफ हाइड्रोजन अ ईयर बाय 2030? वियतनाम का. सी. NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट, कहां पर? बहुत सिंपल, राजस्थान में उन्होंने इनॉग्रेट किया अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट. किसने किया है ऐसे भी याद रख सकते हो. अच्छा, उस पेलोड का नाम क्या है बाय विच आदित्य L1 सैटेलाइट डिटेक्टेड सोलर विंड इंपैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस? तो उस पेलोड का नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, ऐसे याद कर लो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ 5-year मल्टीपल एंट्री वीजा इंडियन टूरिस्ट के लिए, ताकि उनके बीच दोनों देशों के बीच में ट्रैवल और इकोनॉमिक टाइज और ज्यादा एनहेंस हो? दुबई ने किया है. बी. पर्पल फेस्ट अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एम्पावर करना. ठीक है जी. कृष्णराज सागर रिजर्वॉयर कहां पर लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर. पंकज उदास हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड है विद विच फील्ड? सबको पता होना चाहिए, ये तो सिंगिंग से जुड़े हुए थे. वर्ल्ड एनजीओ डे 2024 की थीम क्या है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, सीधा आंसर पे आऊं, थीम याद करा दूं? चलो, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया? रंगपो रेलवे स्टेशन. ऑप्शन सी. अगला सवाल, कौन सी स्टेट के टोबैको ग्रोअर्स ने रिसेंटली दे हैव रिसीव्ड अप्रूवल फॉर 10,000 इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द सेंटर? तो आंसर इज आंध्र प्रदेश. मिशन उत्कर्ष जो है ये कौन सी डिसीज से जुड़ा हुआ है? ये है अनीमिया से जुड़ा हुआ. ऑप्शन सी.
लास्ट चार क्वेश्चन है, इंदिरा आरवी 25-240N रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है? ये है माइक्रो टर्बोजेट इंजन। ये टर्म्स न्यूज में होती हैं, आपको बस याद करनी है। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है अपर यमुना रिवर बोर्ड बिल्डिंग एट नोएडा? मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नील वेगनर हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, अच्छा पूछा जाए ये पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। कौन सी कंट्री से है? न्यूजीलैंड से। लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिटी जो है वो कहां पर लोकेटेड है? थाईलैंड के अंदर, ऑप्शन ए। ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीजें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन के लिए इतना ही, विल मीट यू विद अदर लेक्चर, एक अदर कंपाइलेशन ऑफ नेक्स्ट मंथ, मार्च के एंड में देखेंगे। तो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।